बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ तौफीक अहमद। आई विल टीच यू द कोर्सेज ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर अंडर द स्पाइसेस ऑफ डॉक्टर मोहम्मद इब्रार अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लोअर माल कैंपस, लाहौर। द टॉपिक ऑफ द डे इज वी विल टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन टू और थ्री लेक्चर्स। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर ऑन दिस वेरी टॉपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. In this video, we will try to know what was the War of Independence of 1857 and what were the factors, behind the occurrence of this war. And why this war, or British say it spire billion, we will try to find out either it was a war of independence or a spire billion. Normally British called it a spire rebellion or mutiny. So in this lecture we will try to find the exact image, we will try to find or trace the original picture of this incident, why this incident took place in 1857. So start our lecture and discuss the factors, causes, reasons behind this tragic incident. Our collective effort of three major community to expel the British from the subcontinent. But in this video we will try to find the reasons of mutiny, rebellion, or so called War of Independence 1857. Students, British East India Company, which was made in 1600 by the Queen of England with the purpose of trade with subcontinent, and the French East India Company was also there to compete the British East India Company. British और French East India Company दोनों में competition था, एक दूसरे को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश में थे, और finally Battle of Plassey जो 1757 में होती है, British French को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं और यहाँ पे उनका जो rule है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल ब्रिटिश के कब्ज़े में चला जाता है, जो बहुत ज़रखेज़ इलाका है। ब्रिटिश वहाँ से मोर वेल्थ, मोर रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एंड दिस टाइम द ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और एक्सपेंशन। दे स्टार्टेड टू occupy whole subcontinent. Students, Battle of Plassey के बाद कोई भी power, कोई भी company British के खिलाफ या British का सामना करने की सकत या अहलियत नहीं रखती थी। यही वजह है कि British ने expansionism, इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू किया,
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनडायरेक्ट रूल है या इनडायरेक्ट जो ब्रिटिश रूल है वो शुरू हो चुका था। तो ग्रेजुअली दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर विद द पब्लिक मैटर्स, पब्लिक लाइफ। रिजल्टेंटली द लोकल पीपल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन देयर प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ अ म्यूटनी और स्पायर बिलियन और वार ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सख्त पॉलिसियों की वजह से जो यहाँ के लोकल जो मकामी लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों से या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा पाने के लिए 1857 के अंदर एक कोशिश की जिसमें बरेसगीर की तीनों मेजर कम्युनिटीज़ फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, हिंदूज एंड सिख तीनों ने कलेक्टिवली एफर्ट की ब्रिटिश से छुटकारा हासिल किया जा सके। और दिस एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट इज नोन एज वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एज ब्रिटिश कंसिडर्ड दैट दे हैड डिवेल्प्ड द ब्रिटिश रूल इन सब कॉन्टिनेंट एंड दे कंसिडर्ड इट एज म्यूटनी और स्पायर रिबेलियन। बट दिस इज नॉट अवर टॉपिक राइट नाउ। वी विल डिस्कस द कॉजेज आर फैक्टर्स बिहाइंड दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस और म्यूटनी और स्पायर रिबेलियन। So, we are going to discuss the reasons of this incident. What were the reasons? What were the factors that caused this happening? So, let us see what were the factors. Students, here are some factors, causes, and reasons behind the occurrence of this mutiny, spy rebellion, or war of independence, and let us we discuss separately each of them. Student, religious causes में सबसे पहले बात करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की। ये एक तबलीगी जमात की तरह थी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तबलीगी जमातें हैं। ये रायवंट की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी तबलीगी जमातें हैं। इसी तरह जो क्रिश्चियन थे, अंग्रेज़ थे, वो बेसिकली क्रिश्चियन थे और वो क्रिश्चियनिटी के फ़रोग के लिए, ईसाइत के फ़रोग के लिए यहाँ पे भी उन्होंने कुछ तंजीमें कायम की हुई थी जिनका मकसद ईसाइत के फ़रोग था और लोकल्स की कन्वर्जन थी कि ताकि वो अपने जो नेटिव है या अपना इस्लाम और हिंदुइज्म को छोड़कर क्रिश्चियन की तरफ आ जाएं, ताकि जो ब्रिटिश का ख्वाब है सब कॉन्टिनेंट पे यहाँ पे मुश्किल कॉलोनी बनाने का जो ख्वाब था उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। इस तरह जो लोकल थे यानी मुसलमान और हिंदू, ये जो मेजर कम्युनिटी थी ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ नफरत और एक एक गम गुस्सा की जो लहर पैदा हुई उसका जो इजहार वो वार ऑफ इंडिपेंडेंस और रिबिलियन और सिपाही रिबेलियन या म्यूटनी जिसे कहते हैं वो 1857 के अंदर होता है। और सेकेंडली बात करें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की, तो इंडिया के अंदर मुसलमानों में मदरसा सिस्टम आज भी कहीं किसी काफ़ी अरसे पे, काफ़ी एरिया पे जो मदरसा सिस्टम है वो प्रिवेल करता है, वर्किंग में है। और तब भी मदरसा सिस्टम थे, मुसलमानों के बच्चे जो हैं वो मदरसा में जाकर पुरानी तालीमात और उनको अरबी, फारसी और भी जो अलूम थे उनकी तालीमात दी जाती थी।
जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया, इंग्लिश को प्रमोट किया, यहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज किया, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, जिसकी वजह से जो लोकल्स थे, मुसलमान थे, वो इन उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो के और उनके ख़िलाफ़ गम गुस्सा या जो गुस्से के जज्बात पाए जाते थे। और स्टूडेंट से आगे चलें तो अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने जो यहाँ के लोकल्स थे, खासतौर पर मुसलमानों को, जिनसे उन्होंने हुकूमत छीनी थी, इनके जो दीनी अहकामात हैं या इस्लामिक लॉज थे, उनमें इंटरवेंशन शुरू की ताकि इनको अपने ही दीन से, मज़हब से वो जो नफ़रत पैदा की जाए, इनको चेंज करके क्रिश्चियनिटी की तरफ लाया जाए। तो इस मकसद के लिए उन्होंने अडल्ट्री को, जिसे जो कि एक क्रिमिनल था, उसको सिविल क्राइम करार दिया, यानी जो जना जो एक फौजदारी मुकदमा इस पे दायर होता है, वो जो फौजदारी केस है, इसको जो दीवानी केस में कन्वर्ट किया गया, इसको दीवानी जो है ना लिस्ट में शामिल किया गया। और इसका नुकसान ये था कि जो सिविल क्राइम्स होते हैं उनका जो डिसीजन है उससे नॉर्मली काफ़ी टाइम ले लेता है, और उसमें सज़ा और जो है उसका भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना वगैरह जो है ना वो नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिमिनल क्राइम्स में। यानी ब्रिटिश ने जो सबसे बड़ा काम किया, मजहबी अहकाम में जो तब्दीली करने की कोशिश की, वो ये थी कि जो जिना है इसको फौजदारी मुकदमा के बजाय सिविल मुकदमा में कन्वर्ट किया। और अगर हम हिंदुओं की बात करें तो अंग्रेज़ों ने एक सती की रस्म जो कि हिंदुओं में थी, उसको विलियम बेंटिक ने 1829 के अंदर बैन किया। सती की रस्म क्या है? सती बेसिकली हिंदुइज्म में जब कोई खामंद वफात पा जाए या उसकी किसी भी तरह उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी जो बेवा है, सोगवार है, या उसकी बीवी पत्नी जो है, उसको भी उसको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो अपने खावंद के साथ जलकर राख हो जाए या सारी ज़िंदगी वो शादी ना करे। तो ब्रिटिश ने इसको बैन किया, हिंदुइज्म के भी मज़हब के अंदर मुदाखलत की, जिसकी वजह से उनको यानी हिंदुओं को अंग्रेज़ों से नफरत होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से नफरत होगी और उसके खिलाफ हो गए। स्टूडेंट इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लॉर्ड डलहौजी ने 1856 के अंदर जो एक बेवा थी उसको दोबारा शादी की, क्या लेके उसको पैटर्नाइज किया, उसको सपोर्ट किया कि एक बेवा है वो सती होने की बजाय दूसरी शादी कर सकती है। तो लॉर्ड डलहौजी ने भी इंटरफेयर किया हिंदुइज्म में, हिंदुओं के मजहबी मामलों में, जिसकी वजह से हिंदू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। नाउ स्टूडेंट्स, वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल काजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासिक में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त देने के बाद जहाँ पे कंट्रोल हासिल किया, उसके बाद अपनी जो उन्होंने दे हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, वो सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना चाहते थे। और इस मकसद के लिए जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई, वो उन्होंने ग्रेजुअली जो लोकल्स थे, इंडियंस थे, उनके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा की। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि रिबेलियन 1857 से पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है 1840 के, जो कि लॉर्ड डलहौजी पेश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और लॉज और दिस पॉलिसी यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के मुताबिक, किसी भी स्टेट का राजा अगर उसके पास औलाद नहीं है तो वो अपनी जो
स्टेट है या अपनी जो जायदाद है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब इवन अगर उसने किसी अडॉप्टेड सन या ले पालक को रखा हुआ है, यानी उसके पास औलाद नहीं है, तो वो एक तो वो औलाद नहीं ले सकता, किसी का भी वो सन अडॉप्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास अपनी औलाद नहीं है। ठीक है, तो नतीजतन वो स्टेट, वो राजा, जहाँ का वो राजा, जो भी स्टेट होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में चली जाएगी। मिसाल के तौर पर जिस सतारा की एक स्टेट थी जो कि 1848 में ब्रिटिश ने अनेक्स की, ये जीतपुर, संबलपुर, ये दोनों स्टेट्स 1849 में ब्रिटिश के कब्ज़े में चली जाती हैं। झांसी की रानी बहुत एक मशहूर फैक्टर है, फिगर है, जिस पे आजकल इंडिया पे बिग मैजिक पे आई थिंक उन्होंने एक ड्रामा भी लगता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने झांसी का जो इमेज है उसकी बहादुरी को दिखाया है। तो ये झांसी का इलाका भी ब्रिटिश के अगेंस्ट या ब्रिटिश के साथ अनेक्स किया हो जाता है 1853 में। फिर उसके बाद नागपुर है 1854। ये जितनी स्टेट्स थी ये बेसिकली ज़बरदस्ती जो है वो अनेक्स की गई थी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में, जिसका नतीजा डेफिनेटली लोकल्स में ब्रिटिश के खिलाफ एक नफ़रत थी, एक नफ़रत का पैदा होना यकीनी अमर था, जिसकी वजह से जो एक रिबेलियन कह लें या वार ऑफ इंडिपेंडेंस कह लें या स्पायर रिबेलियन कह लें, जो कि 1857 में पैदा हुई, ये एक यकीनी अमर था। एंड द थर्ड वन पॉलिटिकल फैक्टर विच हैव बीन डिस्कस मेंशन्ड बाय सर सैयद अहमद खान इन कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, यानी रिसाला सबाबे बगावते हिंद में जो उन्होंने मेंशन किया था, ब्रिटिश को कहा था कि आपने लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, आपकी जो कानून साज असम्बली है या लेजिस्लेचर है वहाँ पे जो भी कानून बनता है उनमें लोकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से लोगों को, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। असेंबली के अंदर चूँकि ब्रिटिश थे वो इंडियंस नहीं थे, वो इंडियंस लैंग्वेज नहीं जानते थे, इंडियंस की लैंग्वेज जाने बगैर उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस जाने बगैर कोई भी मुअसर जो लेजिस्लेशन है वो पॉसिबल नहीं थी। तो ये जो मजहबी मामलात चल रहे थे, इंटरफेरेंस हो रही थी, ये सारी चीज़ें इस वजह से थी कि वो लोकल्स के जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनसे नावाकिफ थे, जिसकी वजह से ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस रोनुमा होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस द इकोनॉमिक कॉजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री जो है वो तबाह कर दी गई। यहाँ की जो स्किल्ड लेबर थी, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की बहुत मशहूर थी, इवन यूरोप की रॉयल फैमिलीज यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ से कपड़े जाते थे, स्पेशली वहाँ पे रॉयल फैमिलीज यूज़ किया करती थी। तो ब्रिटिश आए यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले इस इंडस्ट्री को तबाह किया। वो तबाह किस तरह किया कि एक तो उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए, दूसरा ये कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग थे, जो कपड़ा तैयार करते थे, जो कारीगर थे, उनके हाथ काट दिए। तो लोकल अवाम यानी मुसलमान और हिंदू ये सारा सिनेरियो देख रहे थे, ये सब कुछ उनको, वो अपनी आँखों से देख रहे थे कि ब्रिटिश उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ उनके दिल में बहुत शदीद नफ़रत पैदा हुई, जिसका अल्टीमेट नतीजा जो है वो रिबेलियन और वार ऑफ इंडिपेंडेंस निकला। इसके बाद बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। स्टूडेंट, किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट काज वजह बनती है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, वो ये है कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया और इंग्लिश को पैट्रोनाइज किया, और इंग्लिश को जब ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया तो हिंदूज लकीली इंग्लिश में काफ़ी आगे थे, एजुकेशन में काफ़ी आगे थे, और इन्होंने
इंग्लिश एजुकेशन को या इंग्लिश सिस्टम को अडॉप्ट या एक्सेप्ट कर लिया था। तो रिजल्टेंटली जो हिंदू हैं वो हाई रैंक्स पे बैठ गए और मुसलमानों को लो रैंक्स की जो है वो जॉब्स ऑफर की गई। एंड सेकंडली मुस्लिम जो हैं वो इंग्लिश को पसंद ही नहीं करते थे, इवन कि आज भी ये तो फिनोमेना प्रिवेल करता है। तो सेकंड नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश मोनोपोली ओवर ट्रेड की। तो डेफिनेटली ब्रिटिश ने जो अपने कंपटीटर थे 1757 के अंदर यानी प्लासी के अंदर लास्ट फ्रेंच ईस्ट कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको शिकस्त देने के बाद यहाँ पे अपनी मोनोपोली कायम कर ली थी। वो इस मोनोपोली को बढ़ाते बढ़ाते जो इंडियन ट्रेड थी जितने भी लोकल थे इन सब पे अपनी मोनोपोली अपनी इजारादारी कायम की, जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्री है क्या ले लोकल ट्रेड्स वो ब्रिटिश के कंट्रोल में थी और इससे जो लोकल ट्रेड है वो इफेक्ट हो गई और जो लोकल ताजर हजरात थे ताजर लोग थे वो ये सारा मंजर देख रहे थे और उनको बखूबी अंदाज़ा था ये क्यों और कैसे हो रहा है। तो डेफिनेटली दे टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1857। नेक्स्ट टर्न बात करते हैं स्टैम्प एक्ट 1829 की। इस एक्ट के तहत अगर आपने अदालत से कोई काम लेना कोई किसी को सज़ा होती है तो उसको माफ़ी के लिए या अपने जस्टिफिकेशन के लिए अपने राइट के लिए अदालत से रजू करते हैं तो एक स्टाम्प पेपर दिया जाता था। ये आज भी पाकिस्तानी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं जिसे स्टाम्प पेपर कहते हैं या एफिडेविट का जो एक वर्ड यूज किया जाता है, हलफनामा जिस पे लिखा होता है। तो ये वो बेसिकली ब्रिटिश की है ये हेरिटेज या विरसा है, अभी तक हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है, अभी तक हम इसको फॉलो करते हैं। तो इसमें भी अगर किसी को इंसाफ चाहिए अदालत से तो उसके लिए भी उसको फ़ी पे करना पड़ती थी, जबकि इंडियन सोसाइटी के अंदर यहाँ पे चूँकि बादशाहत थी मुगल रूल करते रहे बादशाहत में इनका वो इस तरह का ऐसा प्रॉपर फंक्शन और इंस्टीट्यूशन नहीं था तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को इंसाफ मुहैया किया जाता था, किसी भी तरह की कोई फीस जो है वो या टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाता था। ब्रिटिश लोकल्स ने बेसिकली स्टैम्प एक्ट 1829 को एज अ टैक्स लिया, टैक्स के तौर पर लिया और ये उन पे एक बोझ था जो ख़ास तौर पे जो मुसलमान थे जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह का पहले ही शिकार थे। तो डेफिनेटली इसका नतीजा इसी का नतीजा था कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस और रिबेलियन और स्पाई रिबेलियन जो है वो 1827 के अंदर सॉरी 1857 में जो रोनमा होती है। स्टूडेंट्स अब हम मिलिट्री कॉजेज की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हिंदुस्तान या हिंदुइज्म हिंदुइज्म सब कॉन्टिनेंट में ही रहा है, एक हिंदू समंदर में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो 1856 के अंदर ब्रिटिश ने एक ऑर्डर जारी किया, एक हुक्मनामा था जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर हैं उनको जहाँ पे भी हुक्म दिया जाएगा लड़ने के लिए तो वो वहाँ जाएंगे। बेसिकली इससे पहले वार ऑफ क्रीमिया भी चल रही होती है, ओपियम वार चाइना के अंदर चल रही होती है। तो ब्रिटिश को जो मेजर रॉ मटेरियल के साथ साथ इंडिया से जो चीज़ें कंसर्न थी जो चाहिए थी वो इनको सोल्जर्स थे आर्मी चाहिए थी। अभी भी जो पाकिस्तान का ये पोठोहारी इलाका ये मार्शल रेसेस के नाम से जाना जाता है, आज भी पाकिस्तान मिलिट्री में जो लोग हैं ज़्यादातर इसी इलाके से हैं। ये झेलम साइड ले लें, मरी को ले लें, इस्लामाबाद रावलपिंडी इस रीजन से ये जो मार्शल रेसिस कहा जाता है यानी कि जो कि स्पेस एक टैग लगाया गया उनसे, ये बड़े जंगजू बड़े बहादुर होते हैं। तो ब्रिटिश
का जो के जंगे क्रीमिया थी, क्रीमियन वार है, वहाँ पे आर्मी चाहिए थी, और उसके बाद जो ओपियम वार चाइना के खिलाफ, वहाँ पे भी इनका एक महाज था। उसके अलावा फ्रेंच के साथ इनका मामला जो का एक कंपटीशन था वो पहले ही चल रहा था। बैटल ऑफ प्लासी में भी इनको शिकस्त दी, इंडिया से निकाला, लेकिन चूँकि कलोनियलिज्म और उसके बाद एक्सपेंशनिज्म का दौर था, हर जो मेजर पावर है वो कलोनियलिज्म की बात कर रहा था, कलोनिया बनाने की बात कर रहा था, पूरी दुनिया पे मैक्सिमम कलोनी की बात थी, कंपटीशन था। तो इस मकसद के लिए जो इंडियन थे, जहाँ से आर्मी भर्ती किया जाते थे, लोग भर्ती किए जाते थे, ताकि बाकी जगहों से, बाकी महाजों पे या बाकी दुनिया के किसी भी कोने में भी, जो जहाँ पे भी वार हो, तो यहाँ की खिदमात, यहाँ के जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी खिदमात ली जाती थी। तो उनके जो 1856 में ये ऑर्डर दिया गया कि आपको ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ से जो भी ऑर्डर मिलते हैं आपने उसको ओबे करना है, इवन कि आपको अगर समंदर पार करना पड़े तो आपने वो भी करना है। और ये हिंदुओं के अकीदे और उनके मजहबी जो तालीमात है, ये उसके खिलाफ था। तो जिसकी वजह से मिलिट्री के अंदर डिवीजन, जो हिंदू लोग थे वो ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ हो गए। एंड सेकंडली, जब मेजॉरिटी जो है वो लोकल इंडियंस की थी मिलिट्री के अंदर, अंग्रेज़ और आटे में नमक के बराबर थे, तो उनके दरमियान कोई इक्वालिटी नहीं थी। एक ब्रिटिश है वो, उसको सिर्फ कलर सफ़ेद होने की वजह से जो मराहत हैं, जो सैलरी है या जो पैकेजेस हैं, वो ज़्यादा दिए जाते थे एज़ कम्पेयर टू लोकल्स इंडियन को। उसके अलावा देखा जाए तो ब्रिटिश सोल्जर जो है वो अगर 70 ईयर्स का होता है तब वो रिटायर्ड होता है, लेकिन जो इंडियन है वो 55 ईयर्स का है तो उसको रिटायर्ड कर देते थे। उनकी प्रमोशन का भी सिस्टम नहीं था, जहाँ पे इनका डबल पॉलिसी अडॉप्ट की थी ब्रिटिश ने, जिसकी वजह से जो लोकल्स आर्मी है, लोकल इंडियन सोल्जर थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि किसी तरह जो ब्रिटिश हैं इनको सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाला जाए, जो कि एक आटे में नमक के बराबर है, यानी बहुत थोड़े से मिकदार में है, और वो एक मेजॉरिटी पे रूल कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ काजेज, होपफुली आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आपकी डिमांड्स, आपके इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए ये एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड किया गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, तो यू मे आस्क, आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चन। तो अपना ख्याल रखें, लेक्चर अभी कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो में एक इसी लेक्चर को एक्सपेंड करते हुए, फर्दर बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इसके इम्पैक्ट्स के, इसके इवेंट्स के, और ये देखेंगे ये कामयाब थी या नाकाम थी। नाकाम थी तो वजह क्या थी, कामयाब थी तो उसकी वजह क्या थी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ इश्यूज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी तक इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इश्यू है, तो वो आप मुझे गूगल क्लासरूम में या वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप क्वेश्चन करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।